सुषमा स्वराज को जाना एक ऐसे नेता की विदाई है जिसने लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर पहल की। विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा की ना जाने ऐसी कितनी यादें अब सिर्फ यादें हैं। मुंबई के रहने वाले हामिद अंसारी ने सुषमा स्वराज को अपनी मां का दर्जा दिया तो सरबजीत की बहन को विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुषमा अब हमारे बीच नहीं है। सऊदी में फंसी जैनब भी वापस हैदराबाद सुषमा स्वराज की बदौलत ही लौट सकी। उनके निधन की खबर सुन वो रो पड़ी और उसके आंसू रोके से भी नहीं रुक रहे। वहीं पाकिस्तान से वापस लाई गई भारतीय लड़की गीता ने भी भोपाल में दिवंगत सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। गीता सुषमा को श्रद्धांजलि दे रही हैं। गीता बोल नहीं सकती हैं, फिर भी इशारों के जरिए अपने जज्बात दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। 25 सेकंड के वीडियो में गीता एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। 26 अक्टूबर 2015 को सुषमा स्वराज के प्रयासों की वजह से ही मूक बधिर लड़की गीता की करीब एक दशक के बाद पाकिस्तान से भारत वापसी हो सकी थी। अब गीता से जैनब तक देश के करोड़ों लोगों में सुषमा सिर्फ यादों में जिंदा है। अलविदा सुषमा, आप हमें बहुत याद आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।